आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं संदीप सिंह। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटक स्थलों में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए साल भर सैलानी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचते हैं। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटक स्थल मनाली के लेकर चलेंगे और यहाँ पर आज का हमारा सफर एक रोमांच से भरा हुआ है और इस रोमांच से भरे हुए सफर की तस्वीर दिखाने के लिए हमें अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटी से गुजरना होगा और इस एडवेंचर एक्टिविटी को करने के बाद किस तरीके का रोमांच यहाँ पर पहुँचने वाला सैलानी लेता है, इसीलिए हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है ताकि आपके लिए हम एक खास रिपोर्ट तैयार कर सके। तो आइए चलते हैं। हमारे इस रोमांच के सफ़र की शुरुआत हम पैराग्लाइडिंग से करने जा रहे हैं और सोलंग वैली में पहुंचने के बाद इस तरीके से पैराग्लाइडिंग करते हुए जो है वो देश विदेश के सैलानी दिखाई देते हैं। इस पैराग्लाइडिंग को करने से पहले कुछ बातों का ख्याल आपको रखना होगा, ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेशनल पायलट हैं वेदराम ठाकुर, उनसे पूछ लेते हैं। वेदराम जी, जिस तरीके से आपने मुझे ये सीट पहनाई, हार्नेस पहनाया, बकल्स इसमें लगे हुए हैं, सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए किन बातों का ख्याल जो है एज अ पायलट आपको रखना होता है, एज अ पैसेंजर मुझे रखना होता है? देखिए सर, पहले तो हमारा क्या होता है कि जैसे टेक ऑफ में हमारा क्लाइंट आता है तो पहले उसको 5 मिनट ब्रीफ करते हैं हम लोग कि आपको टेक ऑफ में क्या करना होता है। बाकी जो हम लोग ये हार्नेस पहनाते हैं तो इसमें हमारा जो एक बार पहनाने के बाद फिर एक फाइनल चेक होता है, उसके बाद हम लोग जो है टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाते हैं फ्लाइंग के लिए। अगर बिगिनर्स के लिए जो है वो किस तरीके की फ्लाई करनी चाहिए, मुझे डर लगता है या कोई भी जो है वो पहली टाइम कर रहा है डर करता है, तो क्या आप उसको इंसिस्ट करते हैं कि करें या फिर उसे नहीं करना चाहिए पैराग्लाइडिंग? उसके लिए हम लोग पहले उनको बहुत तरीके से अपने तरीके से समझाते हैं कि क्योंकि हमारे पास क्लाइंट पहली बार ही आता है जी, तो उनको हम लोग यही बताते हैं कि आप लोग जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन हमें 15-20 साल लगते करते करते, तो हम उनको बिल्कुल प्यार से बताते हैं कि इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार खड़े हो जाइए, थोड़ा सा डर निकालिए अपना दिल से, बाकी सिर्फ टेक ऑफ में डर होगा, जब उड़ेंगे तो आप पूरा एंजॉय करके जाएंगे। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ पायलट हैं वेदराम ठाकुर और इनसे हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब आप इस तरीके से पैराग्लाइडिंग करने के लिए हिमाचल प्रदेश के अलग अलग खूबसूरत पर्यटक स्थलों में पहुंचे, जिनमें सोलंग वैली भी एक है, तो इन खास बातों का आपको ख्याल रखना होगा। जिस तरीके से मैंने ये सीट पहनी है, हार्नेस पहनी है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी सारे बकल्स को खुद चेक करूं ताकि हवा में उड़ने के बाद किसी भी तरीके की गलती जो है वो मेरी फ्लाइंग के दौरान ना हो। तो चलिए इस रोमांच के सफ़र को शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस जो है वो हम अपने कैमरे के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हेलो सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मेरा नाम अमित है, हम पंजाब से हैं। तो पहली बार फ्लाइंग करने के लिए आप पहली बार आ रहे हैं? फर्स्ट एक्सपीरियंस? हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो कितना एक्साइटमेंट है, एज अ टूरिस्ट क्या कहेंगे? एक्साइटमेंट भी और फियर भी है थोड़ा बहुत। तो चलिए दूसरी बार आपसे बात जब आप कर लेंगे तब करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हो? हाँ जी सर, ज्योति नाम है मेरा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो डर भी लग रहा है? हाँ जी, डर भी है, एक्साइटमेंट। तो क्या स्पेशली इस एडवेंचर एक्टिविटी को करने के लिए सोलंग वैली पहुंचे थे? हाँ जी सर, स्पेशली आए हैं पैराग्लाइडिंग के लिए स्पेशली। चलिए आप दोनों फ्लाई कर लीजिए, आपसे ग्राउंड पे नीचे मिलते हैं। तो इस वक्त हम लोग सोलंग वैली में हैं और यहाँ पर किस तरीके से पैराग्लाइडिंग का लुत्फ लिया जाता है ये दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और यहाँ पर पहुँचने के बाद किस तरीके से खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है ये आपको दिखा देते हैं। ये सोलंग वैली है और सोलंग वैली में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पैराग्लाइडिंग जो है वो की जाती है और यही दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद किस तरीके से जो है यहाँ से सोलंग वैली के आसपास की खूबसूरत वादियाँ देखने को मिलती हैं। तो ज़ाहिर तौर पर यही दिखाने की कोशिश जो है हमारी इस खास रिपोर्ट में हम लगातार कर रहे हैं। हालांकि इस पैराग्लाइडिंग करने के लिए जो है वो अलग अलग तरीके से जो इसके लेवल्स रहते हैं, हमने जॉय फ्लाई की है, टैंडम फ्लाई भी इसमें रहती है, हाई फ्लाई इसमें रहती है। ये स्पेशल रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, इसमें हमने सोलंग वैली पहुंचकर सबसे पहले पैराग्लाइडिंग की और पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस जिस तरीके से हमने किया और अपने कैमरे के जरिए से आपको उसका एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश की है,
तो यहाँ पर जिस तरीके से सैलानी पहली बार इस पैराग्लाइडिंग को करता है तो उसका एक्सपीरियंस भी जो है वो सैलानियों से पूछना बेहद जरूरी है। कुछ एक टूरिस्ट हमारे साथ हैं, जब हम टेक ऑफ कर रहे थे तो उस दौरान ये कपल वहां पर मौजूद थे, हमने वहां पर किस तरीके से इनका इंट्रैक्शन जो है रिकॉर्ड किया है, पर इनसे सवाल का जवाब लेना भी बहुत जरूरी है कि इस पैराग्लाइडिंग को करने के बाद इनको मजा कैसे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, जब आप वहां से टेक ऑफ कर रहे थे तो मन में क्या चल रहा था, जब लैंड किया तो ये एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा? बहुत मजा है, मैं एक्चुअली टूरिंग कंपनी से भी मोबाइल से आया था, मैंने फर्स्ट टाइम फ्लाई किया यहाँ पर, बट बहुत मजा है, हमने हाई पास लिया था तो काफी मजा है, ऊपर की पहाड़ियाँ देखने में मेमोरेबल, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। मैम आप क्या कहेंगे? बहुत मजा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन बाद में जब हम लोग फ्लाई किया हमने और वो नजारा जो देखा हिमालय का वो बहुत अच्छा था, बहुत मजा। जब आप पैराग्लाइडिंग की किट पहन रहे थे तो उस वक्त थोड़ा डर था, तो ये डर उतर गया क्या? जो भी इस वक्त दर्शक स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पैराग्लाइडिंग करने के लिए पहुंचे तो सोलंग वैली इज द बेस्ट प्लेस फॉर पैराग्लाइडिंग? अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, फर्स्ट फ्लाइट था मेरा भी, शुरू में डर लगा थोड़ा लैंडिंग के टाइम डर लगा, रास्ते में बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो है वो आपका पैसा पूरा बिल्कुल? हाँ जी सर, एक बात है के जो मतलब पायलट जो थे हमारे तो वो कंटिन्यूसली हमको मोटिवेट कर रहे थे कि आपको डर नहीं मैडम कुछ नहीं होगा, तो वो भी एक अच्छी बात है उनकी, वो डर नहीं लगने देते हमको ऊपर जाने के बाद, वो भी मतलब थोड़ा डर कम हो जाता है। अच्छी बात ये है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस एंजॉय करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आधा देखो। चलिए, थैंक यू। तो आप ये देख सकते हैं कि ये टूरिस्ट हैं, मुंबई से हैं, कुछ पंजाब से हैं, तो इसी तरीके से देश के कोने कोने से साल भर यहाँ पर लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचता है। और इस सोलंग वैली में जिस तरीके से पैराग्लाइडिंग का लुत्फ लेने के लिए सैलानी पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर इस खेल से हजारों लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। इस व्यवसाय को खड़ा करने के लिए स्थानीय लोगों की पूरी मेहनत रहती है और स्थानीय लोगों से जानना बेहद जरूरी है कि इस व्यवसाय को जो है वो करने में किन चुनौतियों का सामना ये लोग कर रहे हैं और क्या डिमांड इनकी है और किस तरीके से सैलानियों को बेहतर तरीके से ये पैराग्लाइडिंग की सर्विस जो है वो मुहैया करवाए, ये भी जिम्मेदारी इनकी बनती है। इनसे पूछ लेते हैं, आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जाहिर तौर पर युवा हैं और आप पर काफी जिम्मेदारी भी है, ये व्यवसाय कितने सालों से इस सोलंग वैली में चल रहा है और यहीं से सीख का जो है बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन जो है आजकल पैराग्लाइडिंग वहां पर हो रही है और लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, ये व्यवसाय कम से कम 30 सालों से चल और तभी से जब 30 साल से स्टार्टिंग हुआ तो उसके बाद ये धीरे धीरे अभी ये बहुत तरह से ग्रो कर गया और फिर यहीं से लोगों ने और बाकी जगह पर भी पैराग्लाइडिंग स्टार्ट। तो यहाँ पर सैलानियों की संख्या की अगर बात करें तो 35 लाख से ज्यादा सैलानी जो है वो इस खूबसूरत वादी में घूमने के लिए पहुंचते हैं, पैराग्लाइडिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, उनको बेहतर तरीके से सर्विस मुहैया करवाई जाए, आपकी एसोसिएशन इस तौर पर किस तरीके से काम कर रही है? हमारी एसोसिएशन इस हमने यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत सारी फैसिलिटी का, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक ही काउंटर है और किसी के जो रेट का इशू रहता है तो बहुत जगह ओवर चार्जिंग का रेट रहता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ही काउंटर लगा है, लोग से जो गवर्नमेंट के रेट है तो उसी सेम चार्जेस सबसे दिया जाता है और जो हमारे पास यहाँ 200 पायलट है वो सब गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ इक्विपमेंट की बात करें तो ये साहसी खेल में रिस्क भी रहता है, रिस्क को कम करने के लिए आप अपने पायलट को किस तरीके से एजुकेट करते हैं और सैलानियों को जो है वो बेहतर तरीके से सर्विस मिले उस पर भी जो है वो काम चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, इसके लिए हम गवर्नमेंट की तरफ से जो जैसे अगर कोर्सेज वगैरह भी करवाए गए थे कि अगर बाय द वे अगर कुछ होता तो इसको किस तरह से हैंडल किया जाए, तो गवर्नमेंट की तरफ से पीछे रंजीत सागर डैम में ये कोर्सेज करवाए गए थे, तो ऐसा ही भी कोर्सेज की आप ये बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या कुछ ऐसी डिमांड आपकी सरकार से हैं ताकि इस व्यवसाय को और बेहतर तरीके से चलाया जा सके और आप जैसे क्रिप्टो पायलट हैं और इनडायरेक्टली अगर बात करूं तो हजारों लोगों का रोजगार इसी व्यवसाय से जुड़ा है, तो उन लोगों के रोजगार पर किसी तरीके का संशय, किसी तरीके का खतरे के बादल न बन पाए उसके लेकर कोई डिमांड थी? हमारा सबसे पहले तो ये है थी कि हमारा जो हाई एडवेंचर जो पैराग्लाइडिंग आता है स्पोर्ट्स में आता है
तो सबसे पहले तो ये कि हमारे तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी है गवर्नमेंट को हमारे लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि पायलट भी सिक्योर रहे, सब कुछ ठीक हो जाए और पैसेंजर का भी, तो इसमें दोनों का दोनों सिक्योर रहे। और आपका इक्विपमेंट बहुत महंगा है और अभी फिलहाल आप दूसरे देशों से इसे इम्पोर्ट करते हैं तो ये काफी महंगा पड़ता है। सरकार अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनाकर लाए ये इंडिया में आपको सब्सिडाइज रेट में मिले तो इससे आपको सहूलियत मिल सकती है। हाँ जी बिल्कुल, हम तो गवर्नमेंट से यही चाहेंगे कि हमारे लिए कुछ ऐसा ऐसी पॉलिसी प्रावधान किया जाए। ये हमें थोड़ा ये बहुत ही आज की डेट में पैराग्लाइडर बाहर से बहुत ही महंगा पड़ रहा है और उस हिसाब से हमें अगर कोई पॉलिसी मिलती है तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले हमने आपको पैराग्लाइडिंग का रोमांच दिखाया और अब ज़िपलाइन का एक्सपीरियंस आपको करवाएंगे क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार ये साहसिक खेल जो है वो इस मनाली के आसपास के लोगों को रोज़गार दे रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पहुँचने वाले सैलानियों को एक रोमांच से भरी हुई राइड दिखाता है। चलिए अब हम इस हार्नेस को पहनकर तैयार हो चुके हैं और लगभग 600 मीटर से ज़्यादा जो है ये ज़िपलाइन का डिस्टेंस है। ठीक यहाँ से होते हुए हम उस पहाड़ी के उस हिस्से तक जाएंगे और उसके बाद जो है वो लगातार यहाँ से किस तरीके से इस रोमांच खेल का जो है वो मज़ा लेते हैं वो हम दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो सोलन वैली में जो है वो इसी तरीके से जो है वो किस तरीके से मज़ा लेते हैं लोग ये दिखाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको। सोलन वैली में जो है वो यहाँ पर इस तरीके से ज़िपलाइन का पूरा मज़ा लेने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं और जाहिर तौर पर इसका एक झलक दिखाने के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुँची और लगातार हमारी खास रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर इस खूबसूरत वादियों का मज़ा जो है आप इस साहसिक अंदाज में भी ले सकते हैं और व्यास नदी के ऊपर से जो है ये ज़िपलाइन का लुत्फ लेते हुए लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे में यहाँ पहुँचने के बाद जो है वो पैराग्लाइडिंग हो ज़िपलाइन हो इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो लगातार लोगों को रोज़गार प्रदान कर रही है और यहाँ पहुँचने वाले लोगों को साहसिक खेल का मज़ा किस तरीके से लेना है वो भी साहसिक अंदाज में वो जो है वो रहता है और यही दिखाने की कोशिश हमारी लगातार जो है हमारी खास रिपोर्ट में बनी हुई है। तो बने रहिए, अभी और भी कुछ एडवेंचर एक्टिविटी जो है वो बाकी बची हुई है। हम जो है वो अब सोलंग वैली के ठीक उस हिस्से से नदी के दूसरे हिस्से तक पहुंच चुके हैं लेकिन अब यहां से दूसरी तरफ भी जो है वो ज़िपलाइन के ज़रिए अभी हमें जाना होगा और उसकी भी रोमांचकारी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। तो आइए चलते हैं। चलिए कुछ एक टूरिस्ट हमारे साथ हैं, हमने इस ज़िपलाइन के अनुभव का जो है एक सेक्शन आपको दिखाया है। 600 मीटर दूरी से हम सोलंग वैली के उस हिस्से से जो है इस हिस्से तक पहुंचे हैं। एक मैम हमारे साथ है, मैम क्या नाम है आपका, कहां से हो? I'm Lalitya from Chennai. Okay, so this is your first experience in zipline. So what do you want to say to viewers? What kind of the experience you experienced during this adventure activity? So the view especially, so it's an amazing experience with all the mountains over you can see and then the river below. So yeah, I would say this is like one of the very good experiences. If you visiting the Solang Valley, yeah. you will see lots of options over here according to the adventure activity. So this would be the good place for adventure activity, especially yeah. in Manali. Yes. So I'm yet to explore all the other stuff. So this is what I started with now, but this is a pretty good experience here. Solang Valley साहसिक गतिविधियों का गढ़ भी माना जाता है। अभी एडवेंचर के इस सफर पर और भी कुछ सरप्राइजेस बाकी हैं। बने रहिए हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में। अब ज़िपलाइन में हम आ चुके हैं और ज़िपलाइन के इस रोमांचकारी और रफ्तार भरे इस सफर में जो है वो किस तरीके से सैलानी अपने इस छुट्टियों का लुत्फ ले रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। कुछ एक टूरिस्ट यहाँ पर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? जी मिश्रा, जबलपुर से। तो पहली बार मनाली आए हो या फर्स्ट टाइम आए हो? फर्स्ट टाइम आए हो। तो सोलंग वैली आने के बाद आपको मन में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर गेम के ऑप्शन हैं, साहसिक खेलों का लुत्फ लेने का शौक रखने वाले लोगों के लिए ये जगह जन्नत से कम है? नहीं, बहुत अच्छी है, जन्नत से भी
ऊपर है ये जगह जी जी। तो अभी ज़िपलाइन आपने की लगभग 600-600 मीटर जो है दोनों तरफ आना जाना हुआ, डर लगा? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ थोड़ा सा तो डर लगा, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास सेफ्टी फीचर बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है, कोई रिस्क नहीं। यहाँ पर जो है इस व्यवसाय को जो है लोग करते हैं, उनसे भी कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और कितने सालों से ये व्यवसाय कर रहे हैं? मेरा नाम नामचंद है और हम ये 5-6 साल से कर रहे हैं। ज्यादातर पिछले 30 सालों में हमने देखा है कि पैराग्लाइडिंग हो या स्कीइंग हो, इस तरीके के जो है एडवेंचर गेम से व्यवसाय यहाँ के लोग करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारी नई एडवेंचर एक्टिविटीज जो है वो सोलन वैली आसपास के एरिया में हो रही है, जिससे आपका रोजगार भी बढ़ा है और सैलानियों को भी जो है वो बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी करने का मौका मिल रहा है। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास डाइविंग बॉल है, जिप लाइन है, जाइंट स्विंग है, रिवर क्रॉसिंग है, ये सब एक्टिविटीज जो बातें हम क्लाइंट के लिए ना, तो ये हमने सबसे पहले तो जो हमारा डाइविंग बॉल है पहले न्यूजीलैंड की गेम है और हमने वहाँ से देखा, फिर गूगल पे देखा, सर्च किया और फिर हमने मंगवाए और डाइविंग बॉल भी लाए, फिर टूरिस्ट में बहुत काफ़ी मजा लेते हैं। फिर जिप लाइन है, जिप लाइन भी वैसे जैसे दुबई में काफ़ी लोकप्रिय एक्टिविटीज है और हम अभी जिप लाइन जैसे स्टार्ट की, सबसे पहले हमारा मोटो रहता कि हम क्लाइंट को अच्छी अच्छी सर्विस दें और अच्छा इक्विपमेंट रखें। स्विंग को कहाँ से खोज कर लाए और इसको एस्टेब्लिश करने में बहुत मेहनत लगी होगी, तो सैलानी इसका मजा किस तरीके से ले रहे हैं? हमने पहले तो भी नेट पे ही सर्च करके देखा है कि हम यहाँ पे क्लाइंट के लिए कितना एक्टिविटी दे सकते हैं, तो हमने देख रहा जब ये बाहर चल रहे तो हम भी इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और हमने दिल्ली में इसका एक लोकल वहाँ का डीलर है, फ्लायर है और वहाँ से हमने उसके साथ बातचीत की और हमने और इसको यहाँ पे लगाने के लिए पूरी कोशिश की और आज हमारे सामने। तो पिछले कुछ सालों से सैलानी जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अब टूरिस्ट सीजन लगभग साल भर यहाँ पर रहता है, तो ऐसे में आपको किस तरीके से उम्मीद है कि अभी गर्मियों का सीजन आने वाला है तो उससे कोई एक्सपेक्टेशन है आप? जी, सबसे पहले हमारे पास दो ही सीजन होते हैं, विंटर सीजन और समर सीजन। अभी विंटर सीजन तो काफ़ी अच्छा निकल चुका है हमारे यहाँ पे और हम चाहते हैं कि अब समर सीजन भी उससे अच्छा निकले। तो ये वेबसाइट है, इनसे हमने डिटेलिंग में जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से यूट्यूब में देखकर और जो है सोशल मीडिया में देखकर इन्होंने इन तमाम एक्टिविटीज को सर्च किया और उसके बाद विदेशों से यहाँ तक लाने के लिए जद्दोजहद की, जो कि आज पिछले 5 सालों के बाद जो है इनकी मेहनत रंग ला रही है। इनके जैसे बहुत सारे ऐसे स्थानीय लोग हैं जो इस व्यवसाय से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और जाहिर तौर पर इनके इस इनिशिएट के बाद यहाँ पहुंचने वाला सैलानी इन खूबसूरत वादियों में किस तरीके से साहसिक गतिविधियों का अलग अलग तौर पर जो है वो मजा ले रहा है। चलिए अब हम तीसरी एडवेंचर राइड लेने के लिए तैयार हैं और इस वक्त हम लोग जो ये सीट है उस पर बैठे हैं, इसे स्विंग कहा जाता है और इस स्विंग को करने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी जो है यहाँ पर सोलंग वैली पहुँचते हैं और लगभग 50 फीट ऊंचाई तक ये झूला जो है, इसे आसान भाषा में कहा जाए तो ये इसे झूला कहा जाता है और ये झूला जो है वो लगभग 50 फीट ऊंचाई तक आपको लेकर जाता है और स्विंग करते हुए जो है वो एक रोमांचकारी अनुभव देता है। तो ये एक्टिविटी भी इन दिनों सोलंग वैली में खूब फेमस हो रही है क्योंकि ये नई तरीके की एक्टिविटी है और इसको स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पर करवा रहे हैं पिछले कुछ सालों से और यहाँ पर पहुँचने वाले लाखों सैलानियों के लिए एक और एडवेंचर एक्टिविटी के तौर पर अब ये एक्टिविटी फेमस होती जा रही है। तो चलिए इस रोमांचकारी स्विंग के सफर पर आपको लेकर चलते हैं। स्विंग को किस तरीके से लोग इंजॉय करते हैं इसकी तस्वीर दिखा देते हैं। तो कुछ इसी तरीके से जो है वो ये झूला दो लोगों को एक साथ बिठाता है और यहाँ से होते हुए स्विंग करते हुए जो है एक रोमांच का अनुभव करवाता है और 50 फीट से जब आप ठीक स्विंग करते हुए चलते हैं तो जाहिर तौर पर एक ऐसे अनुभव का एक्सपीरियंस आपको होता है जो रोमांच से भरा होता है। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद सैलानी जो है वो स्विंग का किस तरीके से मजा लेते हैं हम लगातार जो है सैलानियों से उनके एक्सपीरियंस के बारे में जो है वो पूछ रहे हैं। तो कुछ एक टूरिस्ट यहाँ पर भी मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? नाम पेशन है, कर्नाटक से। कर्नाटक से हैं। तो पहली बार मनाली पहुंचे? यस, फर्स्ट टाइम।
तो स्विंग में जो है वो मजा लेकर किस तरीके से जो है आपका ये छुट्टियां बीत रही हैं? वो डर तो डर रहता ना अंदर, वो डर फर्स्ट स्टार्टिंग में आता है लेकिन बाद में जाता है, तो हम कहीं भी चल सकते हैं, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कहीं भी कौन सा भी डेंजरस सिचुएशन में भी हम मैनेज करते हैं ऐसा फील होगा। तो सोलंग वैली पहुंचे हैं तो बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी आपको करने को यहाँ पर मिल रही होंगी, तो ये एक्सपीरियंस करने का खास मौका जो है वो सोलंग वैली में आने के बाद आपको एज अ टूरिस्ट मिल रहा है? हाँ डेफिनेटली, एंड मुझे क्या लगा है हर 6 महीने और एवरी ईयर इधर आना ही चाहिए, तो इधर एक बार आया ना तो हमारा 1 साल उम्र बढ़ जाएगा, वो ऐसा हमको कॉन्फिडेंस एंड ये आए मजा आएगा। तो यानी पिछले कुछ सालों से जो है लगातार एडवेंचर एक्टिविटियाँ जो है वो यहाँ पर मनाली के आसपास के एरिया में जो है वो करवा रहे हैं सैलानी और सैलानियों के लिए जो है स्थानीय लोग करवा रहे हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। आप किस तरीके से समझते हैं कि इन खूबसूरत वादियों में घूमने के साथ साथ ये एडवेंचर एक्टिविटी करने का जो एक्सपीरियंस है वो मनाली आपको देता है? हाँ 100% दे रहा है और इधर का लोग भी बहुत अच्छा है, हम एवरी पर्सन इधर से हर पर्सन इधर अच्छा है, बात भी अच्छा करता है, तो इधर टूर पर आया ना हम घर में ही ऐसा फील होता है। बिल्कुल, so mom I want to know this would be your first experience, so what experience you want to share with the viewers? Actually starting it very difficult, actually I closed the eyes after share a message to the those people who are planning for the Manali especially for the adventure ride, so what would be your suggestion to them? Actually it's wonderful trip Manali and all of the activities, this one is the amazing experience, horrific experience and bahut maza. चलिए अब हम जो है वॉर्मिंग बॉल का मजा ले लेते हैं और इस हमारी खास रिपोर्ट में हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि वॉर्मिंग बॉल में किस तरीके से सैलानी जो है वो मजा ले रहे हैं। ये भी एक रोमांचकारी खेल है और इस जॉर्विंग बॉल के भीतर जो है दो लोग बैठते हैं और इस दो लोगों के बैठने के बाद इस बॉल को इस तरीके से यहाँ से स्लोप से जो है वो ढलान यहाँ पर रहती है और यहाँ से ये रोल करते हुए बॉल जो है वो आपको नीचे तक लेकर जाएगा, लेकिन उस दौरान जो है किस तरीके से बॉल जो रोल करता है और उसका एक्सपीरियंस अपने आप में ही रोमांचकारी है। तो चलिए इस बॉल के भीतर चलते हैं और इस जॉर्विंग बॉल में बैठने के बाद सैलानी किस तरीके का एक्सपीरियंस करते हैं वो अपनी इस विजुअल के जरिए जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इस बॉल के भीतर स्पेस यहाँ पर रहता है, इस तरीके से जो है वो आपको इस बेल्ट के जरिए यहाँ पर बैठने में मदद मिलती है, फिक्स एक जगह में रहने में मदद मिलती है और दूसरी बात दो लोग एक साथ बैठ सकते हैं और बैठने के बाद का एक्सपीरियंस किस तरीके से रहेगा वो विजुअल के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साहसिक सफर की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में साहसिक गतिविधियों का लुत्फ लेने का एक्सपीरियंस मिला होगा। जब भी आप अगली बार मनाली का ट्रिप प्लान करेंगे तो सोलंग वैली में पहुंचने के बाद इन तमाम साहसिक गतिविधियों का लुत्फ अपने अंदाज में बना सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रेम ठाकुर के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, सोलंग वैली, हिमाचल प्रदेश।